आज फिर से सरोज शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज आपको मैं सिवैया की खीर कैसे बनाई जाती है उसकी विधि बताती हूँ। और सिवैया की खीर बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो ये मैंने एक कटोरी सिवैया ले रखी है, ये भुंजी हुई सिवैया है, और ये आधा लीटर दूध है, ये काजू है कटे हुए, और ये बादाम है कटे हुए बारीक, और ये एक कटोरी चीनी है, ये किशमिश है। तो सबसे पहले दूध को गर्म करेंगे। गर्म करने के लिए ये कढ़ाई ली है मैंने, गैस ऑन करेंगे। ये जो दूध है इसमें दूध डालेंगे। दूध को अच्छे से उकाल आने देंगे। ये दूध में उकाल आना स्टार्ट हो चुका है। ये जो मैंने सिवैया ली है, सिवैया डालेंगे। ये सिवैया भुंजी हुई है, अगर कच्ची रहे तो इनको थोड़ा घी डाल के आप भून सकते हो। तो ये डालते हैं भुंजी हुई सिवैया, अच्छे से मिक्स करेंगे। खीर में अच्छे से उकाल आ रही है, इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। ये सिवैया अच्छे से फूल चुकी है और दूध में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, दूध एकदम गाढ़ा होना चाहिए। अब इसमें शक्कर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे शक्कर को। शक्कर अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब इसमें किशमिश डालेंगे तो ताकि अच्छे से फूल जाए। और प्लीज़ जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो सबसे पहले नए वीडियो आप तक पहुँचेंगे देखने के लिए। और जो भी मेरी रेसिपीज होती हैं वो बिल्कुल एक सिंपल ओरिजिनल रहती हैं, जो घर में उसे कोई भी आसानी से बना सके। अब इसमें काजू डालते हैं। ये जो मैंने बादाम काट रखे थे ये भी डालते हैं। इनको ज़्यादा टाइम तक नहीं पकाएंगे ताकि अच्छे से गाढ़ी हो जाए। ये सिवैया की खीर अपनी तैयार है, गैस बंद करेंगे, अब इसको सर्व करेंगे। ये हमारी सिवैया की खीर तैयार है। ये ऊपर से मैंने काजू और गार्निश के लिए डालते हैं, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत कम टाइम में बनती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है सिवैया खीर। तो हमारी सिंपल तरीके से सिवैया की खीर बनाने की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।